कौन है? जेरी चलो। हैप्पी मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल रात को आपको पता है क्या हुआ? कल रात को हम सब इतना डर गए चेरी की वजह से। 3 बजे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कैप्चर भी किया मोमेंट बोला, एंड इट वॉज रियली रियली वेरी स्केरी मोमेंट। कल 3 बजे रात को चेरी उठ के भौंकने लगी यू नो, और हमें लगा पता नहीं कौन आया क्या है, और यू नो वो पर्दे को देख देख के भौंकने लगी खूब तेज तेज। तो फिर क्या हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब पर्दे उतर के ऐसे भौंक रही थी जैसे पीछे कोई खड़ा है, और जब मैं उठी और मैंने लाइट जलाई तो मैं बहुत डर गई एक्चुअली देख के, क्योंकि मुझे एक परछाई दिखी। इट वॉज वेरी वेरी स्केयरी। मैं आपको दिखाती हूँ क्या था। क्या है चेरी वहाँ पे? चेरी कुछ दिख भी नहीं रहा। क्या है बाहर? लाइट जला के देखती हूँ। चेरी बार बाहर की तरफ ही भाग रही है, ऐसा कुछ देखा है इसने? बाहर इतनी फॉग है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है बाहर। बहुत डर लग रहा है मुझे तो। कुछ तो है जो चेरी ऐसे बिहेव कर रही है। क्या है ये? क्या था ये? माय गॉड, इतना मोटा बिल्ला। चेरी 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 चलो आ जाओ। चेरी चेरी सिमी सो जाएगी, पागल लड़की है। डरा दिया इसने तो ज्यादा रात को, पागल। कितना डर गए हम लोग कि मतलब मैं ना, मैंने लाइट जलाई और मैं उस टाइम कल घर पे हस्बैंड भी नहीं थे, और बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। मतलब मेरे हाथ पे एकदम फूल गए थे ना, मैं पर्दा कैसे हिला के देखा है डर के मारे। आप इमेजिन कर सकते हो क्या कैसी कंडीशन होती है ना, कि मतलब कोई पीछे परछाई दिख रही है आपको और कुत्ता भौंक रहा है ज़ोर ज़ोर से, और यू नो आप जाके हिम्मत करके खोलो पर्दा मैं कोई भूत वाली फिल्म का सीन याद आ रहा था पर एनीवेज मैंने हिम्मत की बाद में ना, उसके बाद तो आधे घंटे नींद नहीं आई मुझे। चेरी अपनी लस्सी पी रही है। चेरी सो अब मैं निकलती हूँ, एंड आई विल कैच यू लेटर। तुम बर्फ में घूम रही हो क्या बिंदु? हैं टोपी शोपी इधर देखो इतनी मोटी तुमने टोपी पहन ली है, हैं नजर भी नहीं आ रही हो तुम, तुम्हारा मुंह नजर नहीं आ रहा है। तो फिर रात को जो हुआ डरावनी बात तो थी बहुत। मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा तुम रात को थे नहीं, गए हुए थे, और सोचो कोई तुम ना तुम होते हो यहाँ पे, कोई ऐसी बात हो जाए और कोई मतलब तुम्हारी बीवी को उठा के ले तुम क्या करोगे? तुम ना रिसेंट फिर तुम्हें जो लेके जाएगा ना वापस यहीं पे छोड़ के जाएगा। मतलब जस्ट लुक एट हिज रिप्लाई। बीवी मिली है ऐसी, वो काम क्या करेगी, वो लक्स में नहाकर खुशबू में कर रहेगी। कितनी ज्यादा बदतमीजी है ना आने दो वापस जरा लोगों ना कदर नहीं होती अगर अच्छी भी मिल जाए ना, ऐसे ही होता है ना। सो गाइस आज हमने बनाया है पोहा। मेरे को पोहा बहुत अच्छा था, दही के साथ दिखाओ मूंगफली वाला पोहा विद क्रीमी क्रीमी दही मैं पोहा नहीं खाती हूँ।